एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और उसके फीचर्स क्या हैं। एंड गाइस अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी ऐप का, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्या चीज़ है ये। The process of economic development of a country without compromising with the quality of environment for the future generation। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही, मतलब हमारे देश का ही विकास करना, हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाना। लेकिन एक छोटी सी बात है, आगे तो बढ़ना है लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एनवायरनमेंट की क्वालिटी के साथ। यानी हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के आगे नहीं बढ़ेंगे कि पता लगे हमारे देश में सारा ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, गोल्ड वगैरह हमने सब कुछ कंज्यूम कर लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, पोल्यूशन फैला दिया। ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर की जो जनरेशन है, आगे की पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए भी बचाने हैं, ठीक है। अपना अपना भला प्रेजेंट का नहीं देखना है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, तब जाके ग्रोथ करनी है। चलो, लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सबको पता है हम ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हम जो ये विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ एनवायरमेंटल को डिग्रेड कर रहे हैं। एनवायरमेंट को डिग्रेड करने का मतलब है हम अपने पर्यावरण, अपनी मिट्टी को, अपनी हवा को, अपने पानी को पल्यूटेड कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आगे बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हम नुकसान क्या कर रहे हैं। जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एक ही लैंड पे बार बार फसल उगा उगा के हमने क्या किया है, फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी, अपनी मिट्टी ख़राब कर ली, उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर दी है। हमने इतना ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में माइनिंग कर लिया, आयरन कोल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों की इतनी माइनिंग कर ली है, इसका इतना एक्सेसिव यूज़ कर लिया है कि इनका स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। भाई कितना महंगा हो गया सोना, सब अपनी मम्मी से पूछो वो बताएंगी। इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ये ट्रक्स, कार्स, इन सब से जो धुआं निकल रहा है, उससे हमारे में कितना पोल्यूशन हो रहा है यार, है ना। सो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना है। फ्यूचर की जनरेशन के लिए थोड़ी बहुत ठीक ठाक हवा छोड़ दो, वरना हम जैसे वो एक मूवी थी ना, एक मैंने देखी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें सब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी फ्यूचर जनरेशन भी होगी शायद। आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के। फर्स्ट इज़ सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हम ऐसे डेवलप करेंगे कि रिसोर्सेज को देखकर यूज़ करेंगे, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी छोड़ेंगे, इससे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इकॉनमी का वेलफेयर भी होगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम और कैसे इकॉनमी का वेलफेयर होगा, भाई नेचुरल रिसोर्सेज जब ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे तो हमारी इकॉनमी के लिए तो बेहतर है ना, कम से कम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है। और रियल पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रही है, जब किसी चीज़ का बहुत बेस्ट यूज़ किया जाएगा, उसकी वेस्टेज नहीं होगी, तो एक तरह से हमारे पैसे ही बचेंगे। ऐसा बोला जाता है कि पैसा बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। जैसे कि मुझे कहीं अगर जाना है, मैं ट्रेवल करती रहती हूँ कार से, अगर उसकी जगह मैं मेट्रो से या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी तो मेरे पैसे भी तो बचेंगे ना, इतना मेरा पेट्रोल लग जाएगा। और मैं बस से जा रही हूँ तो बस से जाने में कितना पैसा बच जाएगा, एक कैब से अगर मैं जाऊँगी तो कैब से कितना खर्चा आ जाएगा और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचेगा, है ना। तो भी देख के रिसोर्सेज यूज़ करो। सेकेंड पॉइंट है रेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक ठाक यूज़ करो नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब उनको बर्बाद नहीं करने हैं, बहुत देख के यूज़ करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ ही मत करो। ऐसा नहीं है कि यूज़ मत करो, उन्हें ऐसे ही देखते रहो वो पड़े रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उसे यूज़ कैसे करना है कि एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड वो ना हो, कि उसका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी इतना भी ज़्यादा उसे वेस्ट मत करो कि फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू फुलफिल द नीड्स नॉट बी इम्पेयर्ड, यानी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएँ, ऐसा छोड़ दो अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, इकॉनमी को भी डेवलप करना, ठीक है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, आगे बढ़ना, सब कुछ अच्छा करना, लेकिन क्या करना, नॉट टू रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना कि फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, हमारे जो बच्चे होंगे आगे, उनकी ज़रूरत के लिए वो सब चीज़ें बचे ही ना, वो तो सिर्फ फ़ोटोज़ में और इंटरनेट में देखे कि हाँ भाई पहले ऐसा हुआ करता था, हाँ भाई पहले जैसे हम बोल रहे हैं डायनासोर हुआ करते थे, ऐसी वो पढ़ेंगे, अरे तुम्हें पता है पहले कोल नाम की एक चीज़ हुआ करती थी, कुछ पेट्रोल हुआ करता था, वो ऐसे ना बोले। आगे बढ़ते हैं, चेक ऑन पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विकास करो, आगे बढ़ो, लेकिन पोल्यूशन मत फैलाओ, अपनी रिवर्स को ख़राब मत करो, अपनी एयर को, वाटर को, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है, जिससे कि ग्रो तो हम कर रहे हैं, आगे तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।